हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप ज़्यादातर जगहों पे क्या हो गए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप आज का हमने जो क्वेश्चन लिया है, जो टॉपिक लिया है वो क्या है, इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा, जो कि जीव विज्ञान की, बायो की जो आपकी परीक्षा हुई है उसका पेपर किस टाइप से आया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या पेपर में पूछा गया है, पैटर्न कैसा आया है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। देख सकते हैं आप पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का था क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। ठीक है, समय सीमा 3 घंटे 15 मिनट की दी गई है। समय सीमा कितनी है, 3 घंटे 15 मिनट की, जिसमें 15 मिनट छात्रों को पढ़ने के लिए, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। पहला क्वेश्चन आया है बहुविकल्पी टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ए ए एक्स ओ, या फिर ए ए एक्स वाई, या फिर ए ए एक्स एक्स वाई, या फिर ए ए एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से पहला संकेत सही है ए ए एक्स ओ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेश वाहक जो आरएनए होता है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्या केंद्रक में इसका निर्माण होता है, राइबोसोम में इसका निर्माण होता है, गाल्जी काय में निर्माण होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, संदेश वाहक आरएनए का जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मां के लिंग गुणसूत्र से, या फिर अंडाणु की माप से, गेस्टूला से, या फिर निरूला से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है, क्या वीरबल साहनी है, आर के मिश्रा है, राम उदार है, केसी मेहता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक हमारे आर मिश्रा है। ठीक है, आर मिश्रा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न है। देख सकते हैं आप का नंबर फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक जंतु वैज्ञानिक नाम कौन सा है। ठीक है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक जंतु वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, एक नंबर पे आया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आया है दूसरे का खा ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, सॉल्व टाइप का आपका क्वेश्चन है, एक नंबर इसके आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहाँ नर एवं मादा पुष्पों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरे का घा पुष्प कोदभिद का विकास कैसे होता है। ठीक है, पुष्प कोदभिद का विकास कैसे होता है इसको आपको बताना है, एक नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है। जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है, एक नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 5 अति लघु उत्तरी पूछे गए हैं। अगर आप इन 5 अति लघु उत्तरी को कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा लघुत्तरी प्रश्न एक। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न है एक का, देख सकते हैं आप दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे का क्या है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ठीक है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और वो क्यों है, ये हमें बताना है, दो नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा तीसरे का क्या है चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है, दो नंबर आपको इसके मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा गा नंबर है सरोमेट, सरोमेट माता पर टिप्पणी लिखने। ठीक है, सरोमेट माता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, दो नंबर आपको इसके मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्किड पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उग रहा है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, दो नंबर आपको इसके मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, उपाजित प्रतिरक्षा की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके लघुत्तरी प्रश्न एक, जिसमें क्या है 10 नंबर के क्वेश्चन रखे गए हैं, हर क्वेश्चन आपका दो नंबर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा बायो का अगला क्वेश्चन कौन सा है।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 4, जिसमें किसको रखा गया है? लघु उत्तरी प्रश्न 2 को रखा गया। अभी हमारा लघु उत्तरी प्रश्न 1 था, ये हमारा लघु उत्तरी प्रश्न 2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र कैसा होता है उसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। वर्णन की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ चित्र आपको बनाना है। 3 नंबर आपको इस चित्र के मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथे का खा। ठीक, निम्नलिखित में से विभेद कीजिए, सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? इसमें आपको विभेद करना है, या फिर सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, दोनों पर आपको विभेद लिखना है। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा पर और सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती, इन पर आपको क्या करना है, अंतर या विभेद करने हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है चौथे का गा। मांसाहारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, मांसाहारी कैसे होते हैं, कौन लोग होते हैं मांसाहारी, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। 3 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है चौथे का घा। डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है। 5वें का देख सकते हैं आप, चिकित्सीय गर्म समापन MTP। चिकित्सीय गर्म समापन यानी कि MTP पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, चिकित्सीय गर्म समापन MTP पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5वें का खा। निम्नलिखित में अंतर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए, विदलन समसूत्री विभाजन पर आपको क्या करना है, अंतर लिखना है, या फिर प्रभाविता अप्रभाविता पर। ठीक है, विदलन समसूत्री पर विभाजन और प्रभाविता और अप्रभाविता पर विभाजन करना है। 3 नंबर वाले ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपका चाहे केमिस्ट्री में हो, लास्ट में जैवाणु जो चैप्टर है, या फिर आपका बायो में, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर दीजिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, या तो बायो में आएगा या तो केमिस्ट्री में, दो में से तो एक में कन्फर्म आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वें का घा, जैव उर्वरक क्या है? ठीक है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है? जैव उर्वरक क्या होते हैं, कृषि में इसका क्या महत्व है? अभी पिछले बार जो आपका 2023 का पेपर था उसमें आया था रासायनिक खेती क्या है। ठीक है, रासायनिक खेती क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना, 3 नंबर आपको इसके मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 6, कौन सा है? अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बीटी फसलों पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि बीटी फसलें कौन सी होती हैं। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है 6वें का खा, बायो वायरेसी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, बायो वायरेसी क्या होती है, इस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर इसके आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें का गा, क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज मिलते हैं? क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो स्पष्ट करके बताइए। ठीक है, 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, 8वां अगला हमारा क्वेश्चन है 6वें का घा। नंबर उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा है, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर ओपेरॉन कार्य करना बंद कर देता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। उस संवर्धन को बताना है जहाँ पे ई कोलाई वृद्धि कर रहा है और लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तभी कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर ओपेरॉन काम करना बंद कर देता, ऐसा होता क्यों है, ये आपको क्या करना है, स्पष्ट करके बताना है। 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख सकते हैं आप, आपको इस क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है
सातवां नंबर, ठीक है, ये सातवां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में जनतंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य में जनतंत्र क्या होता है इसका आपको वर्णन करना है। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये भी आपको बताना है। पांच नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, अनुवांशिक कूट क्या है, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। पांच नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दीर्घोत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां है, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं। नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत बीजी पौधे का जीवन चक्र वर्णन कीजिए। पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं। नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र वर्णन करना है। पांच नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, ठीक। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, ये आपको या तो ये बता दीजिए या फिर पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं इसका नामांकित चित्र और आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र का आप वर्णन कर दीजिए। दो में से एक क्वेश्चन करना है। पांच नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एल्कोहल, एल्कोहल या फिर ड्रग्स के, ठीक है। एल्कोहल या ड्रग्स के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपाय का वर्णन कीजिए, ठीक है। एल्कोहल और ड्रग्स के सेवन से जो हानिकारक प्रभाव शरीर में पड़ते हैं तथा इससे बचने के उपाय भी आपको लिखने हैं। पांच नंबर का आपका क्वेश्चन है और इसके एक अथवा में भी क्वेश्चन आया है, प्रोटीन संश्लेषण क्या है इसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। नामांकित चित्र बनाते हुए प्रोटीन संश्लेषण का आपको वर्णन करना है। पांच नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर। ऐसा आया था कक्षा 12 जीव विज्ञान का पेपर। आई होप आपको पेपर के सारे क्वेश्चन समझ में आए। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।